पहले मैं अजब वावी की एग्जांपल आपके सामने रखूंगा और फिर इंशाल्लाह अजब इनशालाई की तरफ चलूंगा तो रूट लेटर्स है मेरे पास आईन, वाओ, और जाल लेटर सही फेल है और गैर सही फेल की कौन सी किस्म है मोतल है और मोतल की कौन सी किस्म है मोतल आन है जिसका दूसरा नाम अजब है फिर अजवाफ की पहली किस्म अजब वावी है इससे माजी और मुजारे का सीधा कैप्टन साहब बनाना है हमने पहले बाप हमें पता होगा तो हम इसका माजी और मुजारे बना सकते हैं तो ब्रैकेट में हर फेलत पर हरकत है पीछे जबर है हरफेलत को हमने अलह में बदल देना है तो आवाजा से क्या बन गया ये आजा या हरकत है पीछे साकिन है हरफे इलत ने अपनी हरकत इन साकिन को दी पेश दी और हरफ इल्लत को फिर बदलना है उस पेश के हर्फ में जो कि वाओ ही है ये बन गया जी वाओ। और जाल पेश तो ये बन गया जी आजा या उजू, आजा या उजू जो है ये किसी की पनाह में आने के लिए इस्तेमाल होता है या उजू से आप जाए वाहिद मतकलम के सी की तरफ तो थोड़ा सा गौर करें सिर्फ हलामत मुजारी चेंज होनी है ना या की जगह क्या आ जाएगा हमजा तो ये बन जाएगा आऊजू मैं पनाह मांगता हूं या मैं पनाह मांगती हूं किसी की पनाह में आया जा रहा है तो जिसकी पनाह में आया जाता है उसके साथ बा की प्रपोजिशन लगती है हमेशा तो आउजु बिल्लाही, बिल्लाही। आऊजू बिल्लाही मैं अल्लाह की पनाह में आता हूं अब ये देखें ये बा हरफु जर जो है इसके मीनिंग्स हमने पढ़े थे साथ के तो अगर आप साथ के साथ तर्जुमा करेंगे तो कभी भी तर्जुमा सही नहीं बनेगा कि मैं पना में आता हूं अल्लाह के साथ तो ये वो प्रेपोजिशन है जहां पर आपको हरफे जर अपने ओरिजिनल मीनिंग में नजर ना आए तो आपका फौरन जहन जाना चाहिए कि ये हरफे जर एज ए प्रेपोजिशन इस्तेमाल हुआ होगा इसी तरह आप देखें आप पढ़ते हैं आउजू रब नास वही पैटर्न है देखिए आउजू मैं पन्ना में आता हूं किसकी रबनास की तो बा लगा हुआ है देखे जिसकी पना में आया जा रहा है यहां पर रब जो है वो क्या इस्तेमाल हुआ है मुजाफ कैसे पहचानते हैं आप उस पर अलिफलाम नहीं होता उस पर तनवीन नहीं होती तो रब पर देखे ना अलिफ लाम है ना तनवीन है तो आपका शक हुआ कि मुजाफ बन रहा है कंफर्म आपने करना है उस वक्त जब अगला इसम आपको मजरूर नजर आए तो अन्नास मजरूर है लिहाजा कंफर्म हो गया कि यह मुरकबे इजाफी है तो रबनासी था असल में तमाम इंसानों का रब उसमें जब हरफुजर बा लगा, तो मुजाफ जो है वो मजरूर हो गया आउजू बी रबिन नास मालिक इन नास जी मलिक का क्या बन रहा है ये मुजाफ है या मसूफ है मुजाफ कैसे पहचाना आपने इसको मुजाफ अलिफ़ लाम नहीं है तनवीन नहीं है आपका जहन क्या मुजाफ की तरफ कंफर्म आपने किया जब अगला इसम आपको कंफर्म हो, मतलब हो गया तमाम इंसानों का बादशाह मजरूर क्यों है, कि है मजरूर किसी भी इसम के होने की सिर्फ दो वजूहत होती है नंबर एक उससे पहले कोई हरफु हो जो कि नहीं है नंबर दो वो इसमिला बन रहा हो जो कि नहीं बन रहा दोनों वजुहत नहीं है लिहाजा फिर इसके मजरूर होने को आप किसी पिछले मजरूर के साथ कनेक्ट करेंगे तो जब आपने इसे कनेक्ट किया तो जाहिर बात है पीछे रब मजरूर था लिहाजा इसे आप रब का बदल बना देंगे सब्सिट्यूट। जिसका तर्जुम आप यानी के साथ कर सकते हैं कि मैं रब्ब नास की पनाह में आता हूं यानी वो रब्ब कौन है यानी तमाम इंसानों का पाचा इलास जी इलाह क्या बन रहा है मुजाफ कैसे पहचाना ना इमलाम है ना तनवीन है जहन गया कन्फर्म किया आपने अगले इसम को मजरूर देखकर तो इजाफी बन गया अब सवाल रह गया इलाह की मजरूर फॉर्म का कि ये मजरूर क्यों है तो जाहिर बात है ये भी उस रब से ही बदल है उसका ताबे है यानी कुल आऊजू भी रब्बिल फलक अब यहां पे रब्बिल फलक ही वही कंस्ट्रक्शन जो रब नास वाली है आऊजू आउजू बिर रहमानी मैं अर्रहमान की पनाह में आती हूं अब जिसके शर से, जिसकी तकलीफ से बचने के लिए पनाह में आया जाता है ना उसके साथ हमेशा मिन लगता है तो आउजु बिल्लाही मैं अल्लाह की पनाह में आता हूं किस से बचने के लिए मिन शैतानी, शैतान से अरीम अर्रजीम का लफ्ज जो है ये मजरूर इस्तेमाल हुआ है किसी भी के मजरूर होने की दो वजुहत होती हैं या उससे पहले हरफू जरो जो नहीं है। या फिर वो बन रहा हो जो कि नहीं बन रहा जब ये दोनों सूरतें ना हो तो आमिर भाई कहा जाते हैं ताबे की तरफ ताबे में एक तो होता है बदल जो कि सब चीज होता है यानी एक ताबे होता है सिफत लिहाजा यहाँ पर अर रजीम जो है ये अशतान की सिफत है और रजीम के माना क्या रजम किया हुआ एक है रहीम एक है रजीम दोनों का पैटर्न सेम है फहील के जो फहील का पैटर्न होता है ना ये फाइल के माना में भी इस्तेमाल होता है मफूल के माना में भी इस्तेमाल होता है रहीम रहम से निकला है तो रहीम फाइल के, के माना में है रहम करने वाला और रजीम ये मफूल के माना में है रजम किया हुआ यानी रजम करने वाला नहीं कालत इन्नी आउज़ु बिर्रहमानी मिन का इनकुंता तकिया मैं रहमान की पनाह में आती हूँ तुझसे

हर फेलत पे हरकत पीछे साकिन जेर गई एन पे और जेर के मुआफिक आजा यू ईजू आजा यू ईजू के माना डिक्शनरी खोलेंगे तो आपको मिलेंगे किसी को किसी की पन्हा में देना यू ईजू इसकी जगह अलामत मुजारे में चेंज कर रहा हूँ पना आगे में उस मोहनस को मैं पन्हा में देती हूँ उस मोनस को जिसको पन्हा में दिया जा रहा है वो मोनस है बीका जिसकी पना में दिया जाता है मरियम की वालदा ने क्या कहा था जब हजरत मरियम सलाम्ह पैदा हुई क्या कहा था हा। एला मैं इसको पन्हा में देती हूँ किसकी बिका तेरी जी, रूट लेटर्स एन है ना इसल अर हो गया चला गया एडमिट हो गया हाँ जी हर फेलत में हरकत है पीछे है, खाली है क्या हुआ एन को हरकत दी जबर और खुद किसमें चेंज हुआ इस तावजा? हरकत yes, पीछे साकिन एन को जेर दी या में चेंज हुआ आजा पन्हा मांगना तलब करना फेलेमर बनाते हैं अच्छा हाजिर से बनता है सबसे पहले तो या की जगह ता लगाई तालगाजू स्टेप नंबर वन पहले नहीं बना सबसे पहले अखफ करना है अखफ करें तस्ता ईज दो साकिन हो गए एक निकल जाता है कमजोर बीमार निकलता है या को निकाल दिया क्या बचा इज़ अब अलामत मुज़ारे हटाए ता हटी पढ़ा जा रहा है तो तैयार है नहीं पढ़ा जा रहा पढ़ने के लिए हमजद वसल किस हरकत के साथ पेश या जेर के साथ यहाँ जेर के साथ इस वसल है पीछे फा लग गया तो क्या पढ़ेंगे तस्ता इज